जोहार दोस्तों, JSSC नोट डायरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि यह सेट नंबर 2 है, यदि आपने सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, ताकि कोई क्वेश्चन करंट से ना छूटे। सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर वो हेमंत सोरेन ने किस योजना की शुरुआत की हेमंत सोरेन ने किस योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री पैसा योजना, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री सहायता योजना, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री राशन योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सही जवाब अपने पेपर में लिखेंगे। तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री राशन योजना। दूसरा क्वेश्चन, कोरोना संकट से बचने के लिए झारखंड के सरकारी स्कूलों में कब से गर्मी छुट्टी की घोषणा की है? ऑप्शन ए 20 अप्रैल, ऑप्शन बी 30 अप्रैल, ऑप्शन सी 1 मई, ऑप्शन डी 4 मई। तो इसका सही जवाब है 4 मई। जैसे कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव अमेंद्र प्रताप सिंह ने सभी निदेशालय के निदेशकों को इसके निर्देश दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 दिवसीय ऐतिहासिक रजप्पा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 2 दिवसीय ऐतिहासिक रजप्पा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी रजरप्पा, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इसका सही जवाब है रजरप्पा। 2 दिवसीय ऐतिहासिक रजरप्पा महोत्सव का आयोजन CCL स्टेडियम रजरप्पा में 29 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के मजदूरों को कितने रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी? तो ऑप्शन ए 1,000, ऑप्शन बी 2,000 रुपये, ऑप्शन सी 1,500 रुपये, ऑप्शन डी 3,000 रुपये। तो अपना आंसर OMR शीट पर टिक कर लें। तो इसका सही जवाब है ए नंबर 1,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस साहित्यकार को रामकृष्ण स्मृति कथा सम्मान 2019 प्रदान किया जाएगा? झारखंड के किस साहित्यकार को रामकृष्ण स्मृति कथा सम्मान 2019 प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन अनीता रश्मि, ऑप्शन बी नीलम प्रसाद, ऑप्शन सी रवीना झा, ऑप्शन डी सिमरन खान। तो इसका सही जवाब है अनीता रश्मि। सर्व भाषा ट्रस्ट नई दिल्ली की ओर से रांची की साहित्यकार अनीता रश्मि को यह सम्मान दिया जा रहा है। छठा, झारखंड के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? झारखंड के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी मेदिनीनगर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्द से जल्द अपना OMR शीट में आंसर फिलअप कर लेंगे। तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विश्लेषण जो है, झारखंड में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र रांची में स्थापित हुआ था और इसकी 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड मिस इंडिया बेस्ट पर्सनालिटी का खिताब किसे दिया गया है? बॉलीवुड मिस इंडिया बेस्ट पर्सनालिटी का खिताब किसे दिया गया है? ऑप्शन ए प्रिया मिश्रा, ऑप्शन बी अंजलि सेन, ऑप्शन सी उमा घोष, ऑप्शन डी रवीना वर्मा। तो आप लोग जल्द से जल्द
अपने पेपर में आंसर टिक करेंगे। तो इसका सही जवाब है प्रिया मिश्रा। प्रिया मिश्रा जो है संत जेवियर कॉलेज की छात्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल इंडिया के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? कोल इंडिया के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए प्रमोद अग्रवाल, ऑप्शन बी धर्मेंद्र सिंह, ऑप्शन सी लखन यादव, ऑप्शन डी राजीव कुमार। तो इसका सही जवाब है प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल जो कि रामगढ़ के निवासी हैं। नवा क्वेश्चन, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। इसका सही जवाब है रामनाथ कोविंद। हाल ही में ये झारखंड आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसिंता क्रिकेटा के किस पुस्तक का अनुवाद कर फ्रेंच में प्रकाशित किया गया है? जसिंता क्रिकेटा के किस पुस्तक का अनुवाद कर फ्रेंच में प्रकाशित किया गया है? ऑप्शन ए अंगूर, ऑप्शन बी अपना गांव, ऑप्शन सी अपना जमीन, ऑप्शन डी देसी घर। तो इसका सही आंसर अंगूर। ये जो जसिंता क्रिकेटा है ये झारखंड की हैं और ये पहली कविता संग्रह अंगूर का फ्रेंच भाषा में अनुवाद कर प्रकाशित किया है। यह इतना ही आज का सेशन है। यदि आप लोगों को कुछ कमी नज़र आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट करें, और यदि आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।